एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के यूएई के एडवांस बुकिंग के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप भारत के यूएई के एपिसोड्स बना रहे हो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बुकिंग स्टार्ट हो गई। यस मेरे भाई, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है यूएई में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा जितने भी आमिर खान के फैंस हैं उनके लिए। रिलीज डेट 8 नवंबर है, एक दिन पहले नहीं रिलीज हो रही है यूएई में। नंबर टू, रनिंग टाइम जो 190 मिनट का दिखा रहा है, बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं यार 3 घंटा 10 मिनट की पिक्चर है। तो गाइज, मैंने आपको आज से 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि लगभग 3-3.5 घंटे की पिक्चर एडिटिंग टेबल पे पहुंच गई है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अब कितने एडिट होके आएगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन यूएई की खासियत है इन लोग इंटरवल मिला के, स्टार्टिंग के एड वैड मिला के 190 मिनट दिखाते हैं। अगर आप मेरे रेस 3 के एपिसोड फॉलो करते थे वो टाइम यूएई के, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था किस तरह से रेस 3 का भी रन टाइम 190 मिनट दिखाए थे, लेकिन उतनी बड़ी फिल्म नहीं थी। अब गाइज, तीसरी बात, मेरे ऑलमोस्ट 20-25% सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम यूएई। सो गाइज, आप लोग के लिए खुशी की बात है, सबटाइटल्स अरबिक में है, अरबी सबटाइटल्स रहेंगे, इंग्लिश सबटाइटल्स भी रहेंगे। नंबर 3। नंबर 4 गाइज, एडल्ट सर्टिफिकेट दिखाया है फिल्म को यहाँ पे, यानी कि 18TC। आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखो 18TC दिखा रहे हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस है गाइज। रेस 3 को भी 18 दिखाया था, लेकिन एडल्ट फिल्म नहीं थी। आई डोंट थिंक सो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एडल्ट फिल्म रहेगी। यशराज बहुत कम ए सर्टिफिकेट मूवीज बनाता है, यूजुअली फिल्में पारिवारिक रहती है। सो गाइज, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ए सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मोस्ट प्रोबेबली यूएई मिलेगा, यानी 15 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं। रन टाइम लेट्स सी एडिट होके आता है नहीं आता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ 3 घंटे की पिक्चर होगी, धमाके। अब 190 मिनट नहीं होगी इतना बोल सकता हूं। 8 नवंबर को रिलीज होगी, सब टाइटल्स का रिलीज होगी। सो गाइस, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है अबू धाबी मॉल में, अलहमरा मॉल बुर्जमान में शुरू हो चुकी है। 9:30 का पहला शो है गोल्ड बाय रोड्स में। आईमैक्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है यहां पे, सिनेप्लेक्स ग्रैंड हयात, सिटी सेंटर अजमान, सिटी सेंटर डेरा, यहां पे शाम की बुकिंग है सिटी सेंटर मिडरिफ, थिएटर बाय रोड्स में आईमैक्स है, सिटी सेंटर शारजा 9:30, सिटी सेंटर सिंदागा यहाँ भी खुल चुकी है, मॉल ऑफ एमिरेट्स में मरीना मॉल अबू धाबी, मरकातो यस मॉल अबू धाबी, सब जगह बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। गो एंड ग्रैब योर टिकट्स ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड वॉच इट इन अ थिएटर नियर यू। आईमैक्स में देखो, 2D में देखो, वॉच इट इन अ बिग स्क्रीन, बिकॉज दिस फिल्म डिजर्व्स ऑल द प्रेज एंड अटेंशन। देख, सिनॉप्सिस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा पढ़ लेते हैं क्या है। फिल्म इज सेट टू ट्रीट ऑडियंसेस विद द बिगेस्ट जॉ ड्रॉपिंग action sequences seen by the audiences on screen to date, with its edge of the seat thrills and an epic adventure in war on the seas. The film is set to light up this Diwali. I hope inshallah iski advance booking jaldi fill ho jaye. Abhi filhal slow chal rahi hai guys advance booking, obviously ek mahine se upar bacha hai film ke release ko. Jaise jaise nazdeek aata jayega advance booking full hoti jayegi. India ki advance booking kab khulegi main aapko jaldi bataunga. Gaane kab release honge, ye hafte gaane nahi aayenge itna bol sakta hu, agle hafte ka intezar karna padega. Okay guys, I hope ye episode aapko pasand aaya ho. Episode pasand aaya, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन, थग्स ऑफ हिंदुस्तान।